किताबें तो मैं पढ़ता हूँ, पर फेवरेट की बात है जो मैं सेल्फ हेल्प को ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो उन्हीं में से जैसे कुछ किताबें, हाँ जैसे बात करें सबसे पहले मुझे कलाम साहब की बायोग्राफी है, विंग्स ऑफ फायर शायद आपने भी पढ़ रखी होगी। दूसरी किताब है रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड, वो एक ऐसी किताब है जिसको हर एक को पढ़नी चाहिए, उसको मतलब पढ़ने के बाद एक नया नजरिया निकल करके आता है। मुझे लगता है कि जिसने रिच और डैड पढ़ लिया ना वो बोलेगा मैं जॉब नहीं करूँगा मुझे भी एंटरप्रेन्योर बनना है। देखिए फिल्में तो मैं देखता नहीं हूँ, 2-4 सालों में एक देख लिया सो देख लिया, और बुक पढ़ने की बात है तो पसंद है, पर अभी मैं यहाँ हूँ बुक ऑडियो की बात कर रहा हूँ तो मैं सुनना ही पसंद करूँगा। बड़ा पॉलिटिकल आंसर दिया। अगर लेखकों की बात करें तो अभी भी बहुत सारे लेखक हैं जो लिख रहे हैं, और ऐसे कुछ लेखक हैं जो गुजर गए हैं, दोनों अगर समय की बात करें तो आपके पसंदीदा लेखक कौन है जिनके साथ आप लंच वगैरह करना चाहें? मुझे लगता है कि किताबें पढ़ने से पहले लेखकों के बारे में जानना चाहिए, हाँ उसे आपको होता है ना कि उनकी जो लेखनी है वो आपको और बेहतर समझ आती है कि उसने वो चीज़ क्यों लिखी है। जब उसकी हम ज़िंदगी के बारे में जानते हैं और उसके ज़हनियत के बारे में जानते हैं तो उसके कंटेंट भी समझ में आते हैं कि उसने इस तरह क्यों लिखा है, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, वो भी सही है।